झगड़ा ना करो ताकि तुम्हारा एहतराम ख़त्म ना हो। हर वक्त मजाक ना करो ताकि कोई तुम्हारे साथ गुस्ताखी ना करे। ऊंची परवाज करना चाहते हो तो रिस्क की फिक्र छोड़ दो, क्योंकि फिजाओं में वही उड़ते हैं जिन्हें रिस्क देने वाले पर यकीन होता है। मोमिन वो है जो शक और शुभात से अपने दिल को पाक और पाकीज़ा रखे। जो खुदा के फैसले पर राज़ी हो गया उसकी ज़िंदगी पाक हो गई। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो दो बातों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, अल्लाह के किए पर सब्र और अल्लाह के दिए पर शुक्र। दुनिया में किसी भी हवाले से किसी की मोहताजी बदतरीन तकलीफ होती है। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अपने सिवा किसी और का मोहताज ना करे। इंसानियत वो चीज़ है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर कर देती है, और एहसास वो चीज़ है जिसमें गैरों का दुख भी आपको अपना लगता है। वो जो नसीब पर अपने रोता रहा उसे खबर नहीं कि खुदा ने उसके हक़ में और भी बेहतर लिखा है। वो अपनी तरफ आने वाला रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। अल्लाह के खौफ से गिरने वाला आंसू बेशक छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि वो समंदर में मौजूद झाग के बराबर गुनाह मिटा देता है। अच्छे लोग उन रोशनियों की मानिंद हैं जो फासलों को कम तो नहीं कर सकते, मगर मंजिल को आसान ज़रूर बना देते हैं। ये लाजिम नहीं है कि हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें, ये काफ़ी है कि एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। कुछ मुश्किलात इसलिए भी आती हैं कि तुम संभल जाओ, ठहर जाओ, निखर जाओ। ऐसा ना हो कि तुम बिखर जाओ, भटक जाओ, बेकार हो जाओ। दुआएं अल्लाह को मना लेती हैं, वो मान जाएगा। दुआ करना ना छोड़ो। जब तुम्हारे पास कुछ भी बाकी ना रहे तब भी यकीन रखना, क्योंकि तुम्हारे पास अल्लाह है। कभी किसी के मकाम की फ़िक्र ना करो, बल्कि अपनी मंजिल की फ़िक्र करो, और ना ही किसी की संदूक खोलो। अपनी संदूक आमाल से भरो, इससे पहले कि संदूक का मुंह बंद हो जाए। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों से नेकियों की तरफ आना है। बेहतरीन अदब ये है कि इंसान अपनी हद में रहे और अपनी मिकदार से आगे ना बढ़े। मायूसी हमारे लिए हराम है, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस ना होने का हुक्म है। ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख देने से हासिल होती है। बड़ी शान है उस ज़ात की जिसके हाथ में सारी बादशाही है। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया हो। तुम मांगते वो हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह वही देता है जो तुम्हारे लिए बेहतरीन होता है। दिल का सुकून है एक ऐसी ख्वाहिश का ढूंढ लेना जिस पर दूसरी तमाम ख्वाहिशात कुर्बान हो जाएं। अच्छे वक्त की एक खामी है कि जल्दी गुजर जाता है, और बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहता। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझे पुकार कर कभी महरूम नहीं रहा। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। लोगों से खूबसूरत लहजे में अदब के साथ बात करो ताकि बेहतरीन जवाब सुनो। अपनी बातों को अपने आमाल में शुमार करो। जो काम भलाई का नहीं है उस पर बात ना करो। हाथ और ज़बान से बुराई को रोकते रहो, और जहाँ तक हो सके बुरे लोगों से अलग रहो। किसी की मदद करना पाक दिल होने की निशानी है। जो कुछ तुम्हारे लिए मुकद्दर हो चुका है उसके मिलने में कभी ताखीर नहीं होगी। इंसान जो जिहाद अपने नफ्स के ख़िलाफ़ करता है वो सबसे बड़ा जिहाद है। दुनिया की ऐसी चीज़ जिसके हासिल करने का तू तलबगार था लेकिन हासिल ना कर सका,
उसे ऐसे समझ जैसे तूने उसके मुतालिक कभी सोचा भी ना था। दुनिया जितनी थोड़ी लोगे उतनी ही कम जंजीरों में जकड़े जाओगे, और तुम इमारतें इतनी शानदार बनाते हो जैसे तुम हमेशा इनमें रहोगे। सबसे अच्छा मोमिन वो है जो दूसरे मोमिनीन की मोहब्बत का मरकज़ हो। उस शख्स में कोई अच्छाई नहीं जो ना तो ख़ुद किसी से मोहब्बत करता हो और ना कोई दूसरा उससे। मोमिन वो है जिससे लोगों को अपने मालों और अपनी जानों के बारे में ख़तरा ना हो। और मुहाजिर वो है जो गलतियां और गुनाह छोड़ दे। अंबिया और पैगंबर तकलीफ़ों से गुज़रे लेकिन वो इन तकलीफ़ों में ठहरे नहीं रहे, आगे बढ़ गए हमें सिखाने के लिए कि आगे बढ़ जाना अफजल है, सफ़र जारी रखना इबादत है। सब्र, नेकी, बुर्दुबारी, अच्छे अखलाक अंबिया इकराम के औसाफ में से हैं। सबसे बड़ा बदबخت और मुनाफिक वो है जिसे हक और सच का पता चल जाए और फिर भी वो झूठ के साथ खड़ा रहे, जिसका मददगार अल्लाह के अलावा कोई ना हो। खबरदार, उस पर जुल्म ना करना। जो शख्स दिल की गहराइयों से नेमतों का शुक्र अदा करता है वो उस शुक्र को ज़बान पर लाने से पहले ही और ज़्यादा नेमतों का हकदार हो जाता है। मौत को बहुत याद करो, इससे दिल नर्म हो जाता है। जो शख्स ये जानता है कि उसका कौल भी अमल का एक हिस्सा है, वो मतलब की बात के अलावा बात नहीं करता। अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो परहेज़गार, लोगों से बेनियाज और पोशीदा रहने वाला है। आखिरत का दामन थाम लो, दुनिया जलील होकर तुम्हारे कदमों पर आएगी। जो शख्स कसरत से आखिरत को याद करता है उसकी नाफरमानियों में कमी आ जाती है। हर किस्म की बुराइयों और गलाजतों से दूरी पाक दामनी की निशानी है। आम तौर पर लोग ऐब से खाली नहीं हुआ करते। मुनासिब यह है कि किसी के पोशीदा ऐब जाहिर ना करो और उसका मामला अल्लाह ताला पर ही छोड़ दो। जो शख्स हर सवाल का जवाब दे वो पागल है। अपने घरों में कुरान की तिलावत किया करो, क्योंकि वो घर जिसमें कुरान की किरात की जाती है उसके रहने वालों के लिए यह अमल आसानी और बहुत भलाई पैदा करता है। जान लो कि दुनिया ऐसा घर है कि जिससे कोई महफूज नहीं रहा, मगर इससे बेरगबत रहकर और इससे उस चीज़ के ज़रिए नजात नहीं हासिल की जा सकती जो उसी की है। मोमिन किसी को जलील नहीं करता, मोमिन गुस्से में घटिया हरकत नहीं करता, मोमिन किसी का राज नहीं खोलता, मोमिन खर्च करता है मगर हद से आगे नहीं बढ़ता। मजाक उड़ाना नीच और पस्त लोगों का तरीका और जाहिलों का पेशा है। हर वो इज्जत जिसकी ताईद दीन ना करे जिल्लत है। बूढ़े की राय जवान की हिम्मत से ज़्यादा महबूब होती है। मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दें तो वो मोहब्बत काबिले एतबार नहीं होती। आगाह हो जाओ कि तुमसे अगर लोग अपनी हाजतें मांग रहे हैं ये तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह की नेमतों से बेजारी का इजहार ना करो, वरना ये खुदा के गज़ब और अजाब में तब्दील हो जाएंगे। लोगों के पास मौजूद चीज़ों के बारे में उम्मीदवार ना होना मुकम्मल खैर है। हकीम और अक्लमंद शख्स उस वक्त सबसे ज़्यादा बेबस होता है जब वो बेवकूफ़ और नादान से बात करता है। अल्लाह से सवाल करने में तकरार करो, यानी बार बार उससे सवाल करो, तो तुम पर रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। जो शख्स गुनाह का ख़्याल ज़्यादा दिल में लाए गुनाह उसको अपनी तरफ खींच लेता है। जो शख्स खुदा और क़यामत पर ईमान रखता हो वो ऐसी जगह नहीं ठहरता जहां उस पर तोहमत लग सकती हो। बुरे लोगों की सोहबत से बुराई हासिल होती है। जिस तरह हवा जब किसी बदबूदार चीज़ से गुज़रती है तो वो भी बदबूदार हो जाती हैं। जब दुनिया अपनी नेमतों को लेकर किसी की तरफ बढ़ती है तो दूसरों की खूबियाँ भी उसे दे देती हैं, और जब उससे रुख मोड़ लेती हैं
तो खुद उसकी खूबियां भी उससे छीन लेती हैं। जो अपने नफ्स से राजी होगा, उसकी धोखेबाजियों पर भरोसा करेगा, वो हलाक हो जाएगा। जो शख्स नापसंदीदा बातों से बाज नहीं रहता है, वो नादान है। बुराइयों का मजमूआ बुरे साथी का कुर्ब इख्तियार करना है। हर शख्स अपने जैसे ही की तरफ माइल होता है। जन्नत सखी लोगों का घर है और जहन्नम कंजूस लोगों का घर। हम सफ़र आदमी अगर हम फितरत ना हो तो साथ कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। जो जद्दोजहद करता है यकीनन कामयाब हो जाता है। सबसे बुरी कोशिश दो दोस्तों के दरमियान इख्तिलाफ़ पैदा करना है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक मांगने वाले को देखा जो रो रहा था। आपने फरमाया, अगर इस शख्स की हथेली पर तमाम दुनिया रख दी जाती और वो इसके हाथों से निकल जाती, फिर भी इसके लिए रोना मुनासिब ना होता। इंसान की नीयत के मुताबिक ही अल्लाह ताला की अता नसीब होती है। खबरदार उम्मीदों के सहारे पर ना बैठना, क्योंकि उम्मीदें बेवकूफ़ों का सरमाया होती हैं। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को पसंद करता है तो उसकी नसीहत इबरतों के ज़रिए करता है। ईमान ये है कि तुम अपने लिए नुकसानदेह सच को अपने लिए मुफीद झूठ पर तरजीह दो। तुम्हारी बातें तुम्हारे इल्म और कामों से ज़्यादा ना हो, और ये कि तुम दूसरों के बारे में बातें करते वक्त अल्लाह से डरते रहो। मौत को और कयामत के दिन उठाए जाने को और खुदा के हुजूर पेश होने को हमेशा याद रखो। इस ज़रिए से तुम पर मुसीबतें आसान हो जाएंगी। ऐ लोगों, कम उम्मीदें नेमतों पर शुक्र और हराम से परहेज ही जहद है। अगर ये ना हो तो कम से कम इतना तो हो कि हराम तुम्हारे सब्र पर गालिब ना आए और नेमतों के वक्त शुक्र खुदा भूल ना जाओ। जिस तरह ज़माने की आने वाली मुसीबतों से पनाह मांगते हो, इसी तरह सरकश बनाने वाली आदतों से अल्लाह ताला से पनाह मांगो। जो अपने राज या बुराई को रोकने में कमज़ोर है, तो वो दूसरों के राज रोकने में ज़्यादा कमज़ोर होगा। जो शख्स अल्लाह के अलावा किसी और से इज़्ज़त का तलबगार होता है, उसे वो इज़्ज़त ही बर्बाद कर देती है। उन लोगों में शुमार ना होना जो गुनाहों की कसरत की वजह से मौत को नापसंद करते हैं, मगर जिस बात की वजह से मौत को नापसंद करते हैं उस पर अड़े हुए भी हैं। कंजूस अपने माल से अपनी इज्जत को बचाता कम और लुटाता ज़्यादा है। ख्वाहिशात नफसानी और हिकमत एक जगह जमा नहीं होते। अगर तुम अपने नफ्स पर काबू ना पाओगे तो वो तुम पर काबू पा लेगा। नफ्स क्या चीज़ है, शैतान क्या चीज़ है, दुनिया क्या चीज़ है? नफ्स बादशाह है, शैतान उसका वज़ीर है, और दुनिया इन दोनों की माँ है जो उनकी परवरिश करती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर जान भी चली जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं। दीन के रास्ते में जब मुश्किलात आएँ तो हमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन जैसी हस्तियों की ज़िंदगियों पर निगाह डाल लेनी चाहिए। नामुनासिब दुआ बंदगी के आदाब के ख़िलाफ़ है। वाकई रूहानी बीमारियों का इलाज अल्लाह के दोस्तों के पास ही होता है। जो अल्लाह ताला के हुक्मों की पैरवी करते हैं, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उनका मकाम और मर्तबा बुलंद फरमा देता है। इंसानी ज़ात महदूद है और अल्लाह की ज़ात लामहदूद। अगर महदूद लामहदूद का इम्तिहान लेने की कोशिश करे तो इसे बेवकूफ़ी और हिमाकत के सिवा और क्या कहा जा सकता है। जो शख्स अल्लाह ताला से गाफिल हो जाए, वो हर मुसीबत और हर आफत का शिकार हो जाता है। दुर्वेश वो है जो ज़बान, आँख और कान को बंद रखे हर बुराई से। हज़ारों बहारें गुजर जाएं, या पत्थर पर फूल उग सकते हैं, लेकिन अगर पत्थर खाक बन जाए तो
तो इस खाक से रंग बिरंगे फूल उग सकते हैं। नफ्स की मुखालिफत सब इबादतों का असल और सब मुजाहिदों का कमाल है। किसी से हसद ना करो, बल्कि खुद भी मेहनत करके हासिल करने की कोशिश करो। मुसीबत की शिकायत ना करो, इससे अल्लाह नाराज़, दुश्मन खुश और दोस्त गमगीन हो जाता है। इल्म नफ्स को जिंदा, अकल को ज़्यादा और जहालत को ख़त्म कर देता है। कोई ऐसा नहीं जो मरते वक्त पशेमान ना होता हो। अगर नेक है तो पशेमान होता है कि ज़्यादा नेकियां क्यों नहीं की, और अगर गुनाहगार है तो पशेमान होता है कि गुनाहों से हाथ क्यों नहीं उठाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं अल्लाह की इबादत सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम मादी ज़िंदगी के दरिया में डूबने के नज़दीक हैं। मकसद तक पहुँचने के लिए किसी अल्लाह के दोस्त को ढूँढो। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से फरियाद करें ताकि वो हमारे लिए रास्ते रोशन करें। उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जो नेकी में जल्दी करें और गुस्से के वक्त भी सच की तरफ रुजू करें। जो शख्स हलाल खाए, सुन्नत पर अमल करे और लोग उसके शर से महफूज हों, वो जन्नत में दाखिल होगा। खुदावंद आलम ने हर उस शख्स पर जन्नत हराम करार दी है जो बदज़बान, गाली देने वाला, बेहया हो और जिसको इस बात का एहसास ना हो कि उसने क्या कहा और उसके बारे में क्या कहा गया। उम्मत के रहमदिल लोगों के करीब रहा करो क्योंकि उन पर रहमत होती है। मोहब्बत खामोश भी, चीख भी, नगमा भी, नारा भी, ये एक मज़मून है कितने ही उनवानों से वाबस्ता। एक मेरा मिजाज के लहरों की तरह बेचैन सा, और एक वो है खामोश समंदर जैसा। गाली का जवाब गाली और ताने का जवाब ताने से देना अना को तस्कीन देता है लेकिन जहन को बंजर कर देता है। अंधेरा कितना ही गहरा हो, रोशनी की बारीक सी लकीर ही अंधेरे का दम निकालने को काफ़ी होती है। इंसान अच्छा कब होता है? जब दूसरे लोग उसे अच्छा समझने लगे। और बुरा कब होता है? जब वो खुद अपने आप को अच्छा समझने लगे। सोच गहरी हो जाए तो फैसले मुश्किल हो जाते हैं। कुछ फासले ऐसे भी होते हैं जो तय तो नहीं होते मगर नज़दीकियाँ कमाल की रखते हैं। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो कुरान की तिलावत को, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है और वो ख़ुद इस बात पर गवाह भी है। जो गुमराही के बाद हिदायत पा लेने की कद्र करता है और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश में लगा रहता है तो माजी के गुनाह उसको गमज़दा नहीं कर सकते। अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है मगर हम ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि हमारी जमात और हमारे फ़िरके के अलावा कोई दूसरा फ़िरका भी जन्नती हो सकता है। ज़िक्र इलाही हमारी रूह का निखार है। ज़िक्र इलाही जो ना करें तो हमारा जीना बेकार है। बाज़ मर्तबा समझ में नहीं आता हम किसी को याद क्यों करते हैं। याद करते हैं तो याद आता है, या याद आता है तो याद करते हैं। दिल ये मुअम्मा कहाँ हल कर पाता है। ये जो छोटे छोटे तंज और ताने होते हैं इनसे बचा करो। मक्के में चंद बड़े बड़े सरदार थे जो यूं ही छोटे छोटे तंज कर जाते थे, फिर क्या हुआ? वो बदर से पहले छोटी छोटी तकलीफ़ों से मर गए। कोई खराश से मरा तो कोई छोटे से फोड़े से। दुनिया में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसकी कोई बात आपको बुरी नहीं लगती, जिस पर कभी आपको गुस्सा नहीं आता, जिससे कभी आप नाराज़ नहीं होते। नाराज़ होना चाहें तो भी नहीं हो सकते। मन चाहे दर की ठोकर,
इंसान का क्या हाल करती हैं, ये बस वही बता सकता है जिसे ठोकर लगी हो। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बेहतर है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि हम भी तो औरों के लिए दूसरे ही हैं। जब तुम्हारा नफ्स अल्लाह का हुक्म नहीं मानता तो तुम उसका कहना क्यों मानते हो? अगर तुम अपने नफ्स पर काबू ना पाओगे तो वो तुम पर काबू पा लेगा। अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाइशों से गुजारता है। तौबा कांटे को गुलाब में और जहर को शहद में बदल देती है। इंसान का मकाम जो भी हो उसे गुरूर नहीं करना चाहिए। जिसके बदन में बेदीन नफ्स मर गया है, सूरज और अब्र उसका हुक्म मानते हैं। अपने नफ्स से लड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो मत जानो जो तुम जानते हो, वो जानो जो तुम जानते नहीं। नफ्स को मार दो, रूह जीत जाएगी। गुस्सा आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर गुस्सा आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जो खुद अपने नफ्स को आरास्ता नहीं कर सकता, वो दूसरों के नफ्स की इस्लाह कैसे कर सकता है? जो ज़बरदस्त हो वो कब ज़ेर होता है? शेर जिस उम्र में भी हो शेर ही होता है। वो इल्म बेकार है जो इंसान को काम करना तो सिखा दे लेकिन ज़िंदगी गुजारना ना सिखाए। बहुत से ज़ख्म ऐसे होते हैं जो दिखते तो नहीं हैं, मगर उनमें तकलीफ़ ज़िंदगी भर रहती है। नफ्स पर काबू पा लेने से आफियत और सलामती नसीब होती है। ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे हक में हो। जब भी लोग नए नए किस्म के गुनाह करते हैं तो खुदा उनको नए नए किस्म के अजाब में मुब्तला करता है। मोर को मोर का मुकद्दर मिला और कौवे को कौवे का मुकद्दर मिला। खुशनसीब तो वो होता है जो अपने नसीब पर खुश रहे। अपने आप पर राज़ी रहो, अल्लाह आपसे राज़ी रहेगा। मोमिन हर रोज़ सुबह सवेरे अपनी ज़िंदगी का नए सिरे से आगाज़ करता है। जिस तरह के नया बच्चा पैदा होता है इसी तरह मोमिन पैदा होता है, क्योंकि तौबा करके रात को पिछली ज़िंदगी ख़त्म कर देता है और कहता है कि या अल्लाह, आज तक मुझसे जो कुछ हुआ उससे मेरी तौबा, माफ़ी। रात भर माफ़ी में सोता है, इस्तिग़फ़ार में सोता है। सुबह नया होता है, ज़िंदा होता है, फिर नमूदार होता है। जैसे बच्चा इस दुनिया में आता है और फिर नेकी की कोशिश करता है, तो रात को आप लोग अपने आप को मासूम करके सोया करो। अल्लाह का दिया हुआ गम सिर्फ़ अल्लाह के सामने बयान होना चाहिए। जैसे मासूम बच्चा माँ से मार खाकर माँ ही को पुकारता है। दिल से हर वक्त कोई कहता है मैं नहीं तुझसे जुदा, गौर से सुन। अहले जहाँ को कहाँ खबर के कौन है मुझ में जलवगर। मैं हूँ कहाँ, तुम ही तो हो, असल में यही राज है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करने की आदत हो। वालिदैन पर भी उतना ही यकीन रखें जितना दवाओं पर रखते हैं। थोड़े कड़वे ज़रूर होंगे लेकिन तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही होंगे। जो लोग चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं उनके बारे में तय है कि उनका दिल ज़ख्मी है। एक तल्ख हकीकत यह भी है कि हम अपनी ज़िंदगी में खैरख्वाह लोगों को कम और खामख्वाह लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। बाज़ लोग सारी उम्र सही चीज़ें चुनते चुनते कुछ ऐसी गलत चीज़ चुन लेते हैं कि उनकी सारी उम्र रोग बन जाती है। दुख की गिनती जानता हूँ मैं, नेमतों की गिनती नहीं जानता। मैं नाशुकरा हूँ, मेरे मालिक हमें ये तौफीक दे
कि हम नेमतों को गिनना जान लें, शिकवे ना करें, उसके फैसले का इंतजार करें जिसके बाद नामुमकिन लफ्ज की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मेरी खुशियों का मरकज है तेरी बे इंतहा मोहब्बत, सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बड़ी सज़ा और कोई नहीं। ताल्लुकात को बनाने वाले लोग हज़ारों हैं मगर निभाने वाले बहुत कम। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं, ऊपर से खामोश अंदर से पूरी किताब, और बहुत कम लोग होते हैं जो इस किताब को पढ़ सकते हैं। बहुत दूर जाकर बैठ जाते हैं जो देख लेते हैं दुनिया को करीब से। उसके जाने के बाद भेद खुला, वो मुसाफिर था रास्ता था मैं। जब्त करते हैं तो हर जख्म लहू देता है, आह करते हैं तो अंदेशा रुसवाई है, देखते हैं तो हजारों हमारे अपने हैं मगर, सोचते हैं तो वही आलम तन्हाई है। बख्त के तख्त से एक लख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स। ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, आंखें नहीं रही कि तमाशा नहीं रहा। सूरज कैसे और कहां से निकलेगा, उनसे पूछो जिन्होंने रात गुजारी है। दूसरों को दुआ के लिए कहने से बेहतर है कि ऐसा अमल किया जाए जिसकी वजह से दूसरों के दिल से खुद दुआ निकले। अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ज़ाय कर रहे हैं। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज्जत का तमाशा बनाए, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। ये हदें जो हमें कैद लगती हैं असल में हमारी मुहाफिज हैं। हर शख्स में कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होता है, कभी किसी के मामले में काजी ना बनो, क्योंकि हर वली का एक माजी और हर गुनहगार का मुस्तकबिल है। मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी भी हो तो दिल में उतर जाता है, और उस वक्त में किनारा कर लेने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो दिल से उतर जाता है। लोगों की उम्मीदें चाहे पूरी करते रहो, लेकिन कभी किसी से कोई उम्मीद तुम ना लगाना। जिंदगी की दौड़ में दूसरे से आगे निकलने के लिए तेज चलना ज़रूरी नहीं, बल्कि हर रुकावट के बावजूद चलते रहना और मुसलसल चलते रहना ज़रूरी है। चुप को चुप रहने वाला ही समझ सकता है, चुप देने वाला नहीं, और हम उम्मीद देने वाले से रखते हैं। बिना आवाज़ के रोना रोने से ज़्यादा दर्दनाक होता है। अल्लाह बंदों के कसूर माफ़ कर देता है, मगर बंदे बड़ी मुश्किल से करते हैं। सबसे बड़ी बदनसीबी अल्लाह से दूरी है। इंसान की नस्बत अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना आसान है, क्योंकि अल्लाह धुतकारता नहीं है। उसकी तरफ हाथ बढ़ाओ तो वो खुद आगे बढ़कर थाम लेता है। दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान वो है जो सबको बेवकूफ़ समझता है। गम की एक बड़ी खूबी ये है कि इंसान को नर्म बना देता है। कैद कर लो हसरतों को दिल में और फिर उन्हें खुदकुशी सिखा दो। दोस्त भी कभी आपका दिल तोड़ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उससे ये ताल्लुक़ तोड़ दो। मोमिन के पास तो सिर्फ़ दो ही दौलतें हैं, एक अल्लाह और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। जिनको चाहतों का सबूत दरकार हो उनसे अलग हो जाना ही बेहतर है। नेमत से बगावत जवाल बनती है, और इस्तिग़फ़ार का सफ़र उरूज बनता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह सरबुलंदी का वजीफ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनाम याफ्ता बंदों का विर्द। आप जिसे बेवकूफ़ समझ रहे हैं, हो सकता है वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहा हो। जिसने ख़ुद को ख़ास जाना
वो बड़ा ही आम होता है। अल्लाह से दूर जाने वाला दिल ऐसा दिल है जिसमें मायूसी बड़े शौक से घर बनाती है। जिंदगी में दर्द कभी खत्म नहीं होंगे, बस अकलमंद लोग ये करते हैं कि उन्हें बयान करना छोड़ देते हैं। बाज़ लोगों का गुमान है कि मजबूत होने का मतलब दर्द महसूस ना करना है, जबकि मजबूत वही बनता है जो सबसे ज़्यादा दर्द सहता है, समझता है, कबूल करता है। इंसान की शराफत और काबिलियत उसके लिबास से नहीं, उसके किरदार और फेल और गुफ्तार से होती है। खामोशी ऐसा दरख्त है जिस पर कड़वा फल नहीं लगता। थोड़ी खामोशी बहुत सारे मान और भरम रख लेती है। ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र ज़रूर कराती है जिसमें पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। दवा के कब्र में सब चल दिए दुआ ना सलाम, ज़रा सी देर में क्या हो गया ज़माने को। या मसीहाई उसे भूल गई है, या फिर ऐसा है मेरा ज़ख्म ही गहरा होगा। ये जो बेकार नज़र आते हैं लोग, कोई इन्हें सीने से लगाता तो सितारे होते। ऐसा मकतब भी काश कोई शहर में खोले जहां आदमी को इंसान बनाया जाए। लंबी उम्मीदों से दूर रहा कर, क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को हकीर बना देती हैं। कभी कभी यूं भी होता है कि सीने में बहुत कुछ होता है मगर कहने को कुछ नहीं होता। शफाक अहमद फरमाते हैं, मेरा यकीन है कि जब वो ज़ात तोड़ती हैं तो पहले से ज़्यादा मजबूती से जोड़ती हैं। अच्छे लोगों से भी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं। इसका मतलब ये है कि वो इंसान हैं। तकलीफ़ और परेशानी का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह हमसे नाराज़ हैं। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है ताकि बंदे में आजजी पैदा हो सके। यकीनन उसे अपनी ज़ात का शूर हो गया जिसने कहा कि मैं नहीं हूँ। गम पैसों वालों को भी है और खुशियाँ गरीब के पास भी हैं। खुशी तब आती है जब आप अपनी परेशानियों की शिकायत करना छोड़ दें और जो परेशानियाँ आपको नहीं हैं उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। मौलाना रूमी फरमाते हैं, सिर्फ़ दिल से ही तुम आसमान को छू सकते हो। सिर्फ रस्मी तालीम का मकसद रूहों को तबाह करना है। दरिया पार करने के लिए कश्ती ज़रूर सबब है, लेकिन भंवर से निकलने के लिए दुआ की कश्ती चाहिए। मर्तबा चाहते हो तो खिदमत करो, और इज्जत चाहिए तो खामोश रहो। अल्लाह को दिल से याद करने वाले भी दिल से याद किए जाते हैं। रब से अपने ताल्लुक को संजीदा लो। बड़ा सोचना है तो अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना छोड़ दो। मोहब्बत इंसान में ठहराव लाती है। वो ऊपर से जितना पुरसुकून नज़र आता है, अंदर से उतना ही बेचैन होता है। अल्लाह को राज़ी करने की तड़प पैदा हो गई तो जिस्म से रूह निकलते वक्त दर्द की शिद्दत से तड़पना नहीं पड़ेगा। अल्लाह की राह में दौलत लगे तो दौलत में बरकत आ जाती है। इसी तरह अल्लाह की राह में वक्त लगाएं तो वक्त में बरकत आ जाती है। या अल्लाह, जिस सुकून और इत्मीनान से रूह हमारे जिस्म में आई थी, उसी सुकून और इत्मीनान से हमारे जिस्म से रूह का निकलना हमारी तकदीर में लिख दें। यहाँ दुनिया में तो मसले हल हो ही जाते हैं, वहाँ क्या होगा अगर हमारा आमाल नामा हमारे बाएं हाथ में दे दिया गया। जितना मजबूत अल्लाह पर ईमान, उतना ज़्यादा दिल को इत्मीनान। जैसे आपके कुछ गुनाह सिर्फ आपके और रब के दरमियान हैं, ऐसे ही कुछ नेकियां भी होनी चाहिए।
दुनिया बस इससे और ज़्यादा नहीं है कुछ, कुछ रोज़ हैं गुजारने और कुछ गुजर गए। जर्द पत्ते जहाँ से टूटे हैं, सब्ज़ पत्ते वहीं से निकलेंगे। सुनो, मौत के लिए वक्त मुकर्रर है, उम्र मुकर्रर नहीं है। गमगीन रहना ऐसा है जैसे छतरी लिए फिरना और इंतज़ार करना कि कब बारिश होगी। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात का एक लंबा सिलसिला चल पड़ता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक हमें सबक नहीं सिखा देता। जब तूफ़ान आता है तो दरख्तों की जड़ें मिट्टी को और मज़बूती से जकड़ लेती हैं। ठीक ऐसे ही जब इंसान मुसीबत में मुब्तला होता है तो और सख्त जान हो जाता है, उसकी बर्दाश्त की ताकत पहले से कहीं ज़्यादा हो जाती है। दुरुस्त जवाब देना इल्म है, जबकि दुरुस्त सवाल पूछने की सलाहियत ज़हानत है। यकीन की कमी और शक की ज़्यादती रिश्तों की खूबसूरती ख़त्म कर देती है। खामोशी सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं, ये बज़ाते खुद एक ज़बान है। शोर लहरों की आदत होती है और खामोशी चट्टान की ताकत। खामोशी बहादुरों की पहचान है, खामोशी संजीदगी और ताकत का जौहर है। ज़िंदगी से ज़िद करना छोड़ दो, कुछ सिले इस जहाँ के लिए होते ही नहीं। सभी ख्वाहिशें इस दुनिया में पूरी होने लगीं तो फिर अगले जहाँ के लिए क्या बाकी रह जाएगा। दुनिया में सबसे गलीज़ और सबसे भयानक आवाज़ उस औलाद की है जो बदलिहाजी से और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। इंसान दोनों मामलात में बेबस है, दुख से भाग नहीं सकता और खुशी को खरीद नहीं सकता। नसीहत जितनी नरमी से की जाए उतना ही असर रखती है। कुछ लोग सारी रात जन्नत की दुआएं मांगते हैं, लेकिन सुबह होते ही दूसरों की ज़िंदगी जहन्नम बनाने में लग जाते हैं। अकलमंद खुद को बेकार, बेफायदा, बेमकसद कामों में बर्बाद नहीं करता, क्योंकि जिनकी अकलें कम हो जाती हैं वो फजूल कामों में पड़ जाते हैं। जो तालीम की तलखियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जहालत की ज़िल्लत में बाकी रहता है। गम को दूर करने वाली बेहतरीन चीज़ अल्लाह की तकदीर पर भरोसा करना है। नसीहतों से फ़ायदा उठाकर अपनी खुशनसीबी के रास्ते को आसान कर लो। अच्छी बातें सुनकर उन पर अमल करो, क्योंकि मोमिन यही करता है। दुनिया को तो सभी बदलना चाहते हैं, असल चीज़ तो ख़ुद को बदलना है। ज़िंदगी की बेहतरीन आमदनी सुकून है। मौत इंसान के जिस्म को आती है, किरदार को नहीं। इसलिए अपने किरदार को बेहतर बनाओ ताकि मरने के बाद भी याद रहो। गुनाह हर वो आमल है जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो खुशी के साथ गुनाह करे। गुनाह बीमारी की तरह उसे कहीं से लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मगर मुसलसल चलना कामयाबी की निशानी है। इंसान अच्छे लोग ढूंढने की कोशिश करता है, मगर ख़ुद अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। दुनिया और आखिरत की भलाई और कामयाबी के लिए ख़ुद पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इबादतें नहीं इश्क दर्जे पर पहुंचाता है। ऐसी इबादत किस काम की जिसमें इश्क ना हो। ये बड़ी बेवकूफ़ी है कि इंसान आग और कांटों के बीच बोए और उम्मीद रखे कि फूल खिलेंगे। अपने से नीचे लोगों को जलील करने वाला अपने से ऊपर लोगों में जलील हो जाता है। अपनी हस्ती से ज़्यादा अपना नाम ना फैलाओ, वरना परेशान हो जाओगे। जो सबके दिल रखता है वो भी एक दिल रखता है। लफ्ज़ अंधे कभी नहीं होते, बोलने वाला सोचता ही नहीं। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते।
ज़िंदगी में अच्छे लम्हात को चुनो, ना कि अच्छी चीज़ों को। चीज़ें फिर भी मिल जाती हैं, लेकिन अच्छे लम्हे दोबारा नहीं मिलते। सबकी अपनी अपनी आँखें, सबका अपना अपना चांद। मोहब्बत और अखलाक से तब्दीली आती है, नफ़रत और बहस से कोई नहीं बदलता। मोहब्बत करने या मोहब्बत हो जाने से ज़्यादा अहम मोहब्बत निभाना है। इंसानों से मोहब्बत करो, यही अल्लाह से मोहब्बत का एक पहलू है। इंसान के अंदर छुपी हुई उसकी मैं रब के आगे उसे सुर्ख रू नहीं होने देती। ज़्यादा से ज़्यादा की हवस है, लेकिन रब की अता करदा नेमतों का शुक्र हमसे अदा नहीं होता। सुर्ख रू और बाइज्जत रहे जो अपने नफ्स के कैदी ना बने। नफ्स पर काबू पा लेने से आफियत और सलामती नसीब होती है। बुराई की तरफ तो नफ्स दौड़कर चला जाता है, लेकिन नेकी की तरफ उसे घसीट कर ज़बरदस्ती लाना पड़ता है। अगरचे समंदर में गहराई होती है, लेकिन दिल का साहिल सबसे ज़्यादा गहरा है। तकलीफ़ और दर्द एक ऐसा तोहफ़ा है जिसमें रहमत छुपी हुई होती है। अगर आप हर रगड़ से परेशान होते हैं, तो आपका आईना कैसे साफ होगा। आज जो दुनिया में तुम्हारे पास है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था, और तुम्हारे बाद कोई और होगा। दुनिया का घर आबाद करने के लिए आखिरत का घर बर्बाद करना बेवकूफ़ी है, और ऐसा करने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता। ये कायनात उन बंदों की हैं जिन बंदों की ज़ाती कायनात अल्लाह की है। रूहानियत अल्लाह ताला के फ़ैसलों को मंजूर करना है, कबूल करना है, अपने फ़ैसले मंजूर कराना नहीं। जो शख्स अपने को बहुत पसंद करता है, वो दूसरों को नापसंद हो जाता है। ज़रूरत हो तो बाज़ार जाया करो, बाज़ार जाकर अपनी ज़रूरत पैदा मत किया करो। ज़िंदगी बग़ैर मेहनत के मुसीबत और बग़ैर अकल के हैवानियत है। जो शख्स अपनी तन्हाई से इंसाफ नहीं करता, वो ज़िंदगी में क्या इंसाफ करेगा। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। उसकी अच्छाई को बुढ़ापा नहीं आता। जिस बात का आपसे ताल्लुक़ नहीं, उसके बारे में अपनी ज़बान और कान को बिल्कुल इस्तेमाल में ना लाएं। मोहब्बत वो वाहिद फूल है जो मौसमों की मदद के बग़ैर उगता और खिलता है। कीमती सामान से लेकर इजाफी बोझ तक का सफ़र बहुत तकलीफ दे होता है। मगरूर इंसान उस परिंदे की तरह है जो जितना आसमान की तरफ बुलंद होता जाता है, लोगों की नज़रों में उतना ही छोटा होता जाता है। उरूज और जवाल में गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल है। उरूज में इंसान तकब्बुर करता है, और जवाल में नाशुक्री। जिंदा शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना कब्र पर हज़ार गुलदस्ते रखने से बेहतर है। ये दिल भी इसी तरह उगता जाते हैं जिस तरह बदन उगता जाते हैं। लिहाजा जब ऐसा हो तो उनके लिए हकीमाना तफरी का इंतज़ाम किया करो। मोहब्बत का एक खूबसूरत नाम इज़्ज़त भी है। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छे अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखते हैं। आप एक काम करो कि ज़िंदगी में आपकी ज़बान से किसी गैर हाजिर या हाजिर शख्स का गिला ना निकले, और आपके कान में किसी गैर हाजिर का गिला ना पड़े। बस आप ना गिला करो और ना गिला सुनो, बस यही ज़िंदगी जन्नत बननी शुरू हो जाएगी। अपने आप को बदनसीब कहने के गुनाह से बचते रहो। कम आरज़ू वाला इंसान मुतमईन रहता है। किसी की गलत बात को याद रखना दिमाग पर बोझ रखना है।
अगर तू चाहता है कि तुझे बख्शा जाए तो तू लोगों के साथ नेकी कर। भलाई का वो काम जो अपनी तारीफ के लिए किया जाए लानत का पेश खेमा बन जाता है। नफ्स की पाकीज़गी ये है कि इंसान बहुत देर से गुस्से में आए और बहुत जल्दी माफ़ कर दे। मंजिल दूर सही लेकिन नज़र के सामने होनी चाहिए। ज़बान की हिफाजत करो क्योंकि इज्जत और ज़िल्लत की ज़िम्मेदार यही है। मौत एक खुला राज है, खुला इसलिए कि हर एक जानता है कि उसे मौत आनी है, और राज भी कि कोई नहीं जानता कि ये कब कहाँ और कैसे आनी है। ज़िंदगी में दो लोगों पर तबसीरा ना करो, जिनको चुन लो जिनको छोड़ दो। ज़हन हमेशा याद नहीं रखेगा कि क्या हुआ था, लेकिन दिल हमेशा एहसास को याद रखेगा। कुछ लोगों से ताल्लुक बढ़ाकर उनकी हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है फासले कितने अच्छे थे, उसमें कितनी इज्जत थी। ज़िंदगी भर इबादत कर लो लेकिन बंदों के हुकूक अदा किए बग़ैर जन्नत नहीं मिलेगी। झूठ को सबसे ज़्यादा ख़तरा सवाल से होता है और सच को हमेशा सवाल से दिलचस्पी होती है। जो खिड़की तकलीफ़ दे रही हो उसे बंद कर देना चाहिए, चाहे नज़ारा कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। जिसे उसके आमाल पीछे कर दें उसे उसका हसब व नसब आगे नहीं बढ़ा सकता। मेल मोहब्बत करना अकल का आधा हिस्सा है। जो लोग अपनी दुनिया संवारने के लिए दीन से हाथ उठा लेते हैं तो खुदा इस दुनिया भी फ़ायदे से कहीं ज़्यादा उनके लिए नुकसान की सूरतें पैदा कर देता है। बेहतरीन सुबह वही होती है जो अल्लाह के ज़िक्र से शुरू की जाए। लोग उस चीज़ के दुश्मन होते हैं जिसे वो नहीं जानते। तुम्हारे नसीब का तुम्हें ही मिलेगा, फिर चाहे वो दो पहाड़ों के दरमियान ही क्यों ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह का एक फ़रिश्ता हर रोज़ ये निदा करता है कि मौत के लिए औलाद पैदा करो, बर्बाद होने के लिए जमा करो और तबाह होने के लिए इमारतें खड़ी करो। जब तक तुम्हारी किस्मत अच्छी है तुम्हारे ऐब ढके छुपे हुए हैं। जो शख्स छोटी सी मुसीबत को बड़ी अहमियत देता है अल्लाह उसे बड़ी मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। थोड़ी सी चीज़ हासिल करना पूरे के छोड़ देने से बेहतर है। दौलत हो तो परदेस में भी देश है, और मुफलिसी हो तो देश में भी परदेस। हिकमत की बात जहाँ कहीं हो उसे हासिल करो, क्योंकि हिकमत मुनाफिक के सीने में भी होती है, लेकिन जब तक उसकी ज़बान से निकलकर मोमिन के सीने में पहुंचकर दूसरी हिकमतों के साथ मिलकर बहल नहीं जाती, तड़पती रहती है। सब्र करने वाला कामयाबी और कामरानी से महरूम नहीं होता, चाहे उसमें ज़माना लग जाए। दिल बहुत कीमती है, कोशिश करें कि इसमें वही रहे जो रहने के काबिल हो। दिल में छिपा हो कुफ्र तो बेकार है दुआ, मोमिन की हो जबान तो तलवार है दुआ। जिस दिल में सवाब का शौक और अजाब का खौफ पैदा हो जाए जन्नत खुद ही उसके इंतज़ार में लग जाती है। किसी की मजबूरियों पर मत हंसें, क्योंकि मजबूरियां कोई ख़रीद कर नहीं लाता। और डरिए बुरे वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त कभी बोल कर नहीं आता। दो तरह से चीज़ें देखने में छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से दूसरा गुरूर से। जो हलावत और मिठास बख्श देने में है वो बदला लेने में नहीं। हर एक शख्स पर लाजिम है कि वो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके उन पर इस्तिग़फ़ार करे। किसी शख्स को जैसा वो है वैसा कबूल न करने का नाम नफ़रत है। अगर हम बग़ैर किसी शर्त के उसे कबूल कर लें तो ये मोहब्बत में तब्दील हो सकता है। मायूस होना बंद कर दो, नाउम्मीदी से इंसान की उम्र कम हो जाती है।
हर मसला अपने साथ अपने बराबर या खुद से भी बड़ा मौका साथ लाता है। बोझ में अगर मोहब्बत ना हो तो वो बेशक एक तिनके का हो बर्दाश्त नहीं होता। एक हकीकी अजीम आदमी अपनी बड़ाई नहीं जताता और ना ही मुख्तलिफ तरीक़ों से दूसरों को नीचा दिखाने की तरकीबें आजमाता है। जो खुद रोशनी से महरूम होते हैं वो दूसरों को राह दिखाने में खुशी महसूस करते हैं। जो इंसान बहुत लड़ने के बाद भी आपको मनाने का हुनर रखता हो और हर वक्त ख्याल करे तो समझ लेना वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। आप किसी को भी ज़बरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत, क्योंकि ये दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। तारीख़ के हसास इंसानों ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा उदास रहकर गुजारा है। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं बल्कि बहुत बेहिसी चाहिए। अल्लाह दुख भरी दास्तान को बड़े ध्यान से सुनता है, कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने सुलझा भी देता है, लेकिन अगर सारे ही गम सुलझ जाएं, तो आदमी और उसमें बातचीत बंद हो जाती है। अपनी उस खामी को ढूंढो जो तुम्हें कामयाब नहीं होने देती। बाज़ लोग पैदाइशी अजीम होते हैं, बाज़ लोग बड़ी मेहनत करके अजीम बनते हैं और बाज़ लोगों पर ज़बरदस्ती अजमत डाल दी जाती है। जब आप ज़िंदगी को जैसी भी है वैसे ही गुजारना सीख जाते हैं तो ये आपकी ख्वाहिश के मुताबिक गुजरने लगती है। इशफाक अहमद फरमाते हैं, मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज़ है, किरदार बड़ी चीज़ है। असल चीज़ अल्लाह से ताल्लुक है। वो उस वक्त राज़ी होगा जब आप अपनी रजामंदी बाहर निकाल देंगे। नापसंदीदा चेहरों में ज़िंदगी गुजारने वाले का दिल बीमार हो जाता है। वो चीज़ जो आप माँ बाप के सामने नहीं ले जाना चाहते वो बुरी है। वो काम जो माँ बाप के सामने नहीं कर सकते वो गुनाह है। वो बात जो आप चाहते हैं कि कोई और ना देखे वो गलती है। इंसान कल भी दुखी था, आज भी सुखी नहीं। इलाज खालिक के करीब होने में है, लोग क्यों नहीं समझते? अल्लाह की रहमत सबके लिए है, सबके इंतज़ार में है। कोई दस्तक तो दे, दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। औलाद खुशकिस्मत हो तो माँ बाप को खुशकिस्मत बना देती हैं। अल्लाह से जिन लोगों का ताल्लुक ज़्यादा होता है उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत उतनी ही ज़्यादा पैदा होती है, और जिसका अल्लाह से ताल्लुक नहीं होता वो अपना बदला आप लेता है। हमारी सारी उम्र अपनी कम इल्मी और नादानी को छिपाने में गुजर जाती है। सुबह के उजाले से पहले रात का आखिरी पहर सबसे ज़्यादा तारीख होता है। बुलंद ख्याल इंसान खाक नशीन हो तब भी अर्श नशीन है। सवाल ये है कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही क्यों ना पेश किया जाए? कोई चीज़ आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जो खुशी आपको किसी रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। अक्सर लोगों में तकब्बुर होता है मगर उनका नफ्स उनको पता नहीं चलने देता। रुकावटें उन लोगों के हिस्से में आती हैं जिनका यकीन होता है कि वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और मैंने ख़ुद को ये सबक दे लिया है कि खुदा के लिए जीना खुदा के लिए मरने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना आहिस्ता आगे बढ़ रहे हो। नाकामी तब आती है जब तुम रुक जाते हो। मोहब्बत लेन देन नहीं, सिर्फ देन है। गलती को गलती जानकर भी उसको ठीक ना करने वाला एक और गलती कर रहा है। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। याद करो या फिर मुलाकात करो, एक ही बात है। रफ्तार वही भली जिससे सांस ना फूले।
अक़वाल जब तक आमाल के सांचे में ना ढलें बेमाना हैं। नौकरों के साथ आका ना बनो, इंसान बनो। तुम किसी शख्स के मुताल्लिक अपनी वाकफियत से बढ़कर तो राय कायम नहीं कर सकते, और तुम्हारी वाकफियत और इल्म की बिसात ही क्या है। मोहब्बत कुछ नहीं लेती मोहब्बत के सिवा, मोहब्बत कुछ नहीं देती मोहब्बत के सिवा। क्या इस जुर्म से बढ़कर कोई जुर्म हो सकता है कि तुम्हें सिर्फ दूसरों की कोताहियों का इल्म हो। जब कोई सज़ा देने वाला ना हो तो ज़मीर सज़ा देता है। जो जितना जानता है उतना ही ज़िम्मेदार है। जिस मुआशरे में सब चलता हो फिर वो मुआशरा मुश्किल से चलता है। खामोशी की एक दुनिया है, इसमें अगर आप दाखिल हो सकते हैं तो फिर ही आप इसका मज़ा ले सकते हैं। इस दुनिया में बहारों की कोई हद नहीं सिवाय तुम्हारी सोच के। अगर तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी ना चुनोगे सिवाय अल्लाह और उसकी मोहब्बत के। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कद्र तो बस अल्लाह ही जानता है। मुखलिस लोगों को इस्तेमाल नहीं बल्कि संभाल कर रखें। संभालना मुश्किल हो जाए तो फिर धोखे में भी ना रखें। पिछली बात का हवाला देने वाला मौजूदा हुक्म का इनकार करने वाला है।